टुडे इज माय टॉपिक अराइज लाइट आपको सबको नजर में कैंडिडेट जी जी सर ठीक है जी सर स्लाइड शो हो रही है क्या लिखा है स्लाइड में कोई एक बताएगा रेफरेंस मटेरियल एंड सर्विसेज सोर्सेज रिसोर्सेज साइटेशन सर देयर आर फोर टॉपिक टुडे इज माय ठीक है अब मुझे आप लोगों से कुछ कॉन्फिडेंट ये करना है कि नंबर वन टॉपिक जो हमारा रेफरेंस है कोई बताए कि ये किस बला का नाम है हेलो जी जी सर सारे स्टूडेंट्स अपने जो माइक है उसको जो आवाज़ है उसको बंद कर दें जो बोलना चाहे वो अपना एक जो ओपन करें और वॉइस करके फिर बंद कर दें ये तरीका है जी कोई समय आप बताएं सर रेफरेंस मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर वो मटेरियल होते हैं मैंने मटेरियल का नहीं पूछा है मैंने सिर्फ रेफरेंस पूछा है मटेरियल और सर्विस अलग चीज है रेफरेंस सर हम हवाला को कहते हैं जब हम किसी डॉक्टर के पास जाए और उस डॉक्टर के पास हमारा इलाज ना हो तो वो डॉक्टर हमें रेफर करेगा किसी दूसरे डॉक्टर के पास यार आपने बताया था सर समी ये तो मेरे वर्ष से जो मैंने आपको कहे थे वो तो नहीं बोलो जी नेक्स्ट बताएं सर रेफरेंस मींस टू प्रेजेंट जी एक एक करके बताएं आराम से हेलो हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को जी सर आ रही है आवाज ठीक है रेफरेंस जो है उसको हवाला कहते हैं उर्दू का ये लफ्ज़ है हवाला इसकी बेहतरीन डेफिनेशन जो इंग्लिश में है जो मैंने काफ़ी सर्च के बाद एक अलग सी निकाली है द डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस इज समवन हु विल गिव ए रिकमेंडेशन वो हवाला वो आपका जो हवाला है कोई ऐसा रिकमेंड करे आपको किसी दूसरे तरफ उसको रेफरेंस कहते हैं समझ गए जी वो हवाला वो आपका रेफरेंस जो किसी और मटेरियल में किसी और जगह पे आपको मिल जाए उसको रेफरेंस कहते हैं कोई रिकमेंडेशन आपको दे जैसे समी ने कहा कि एक डॉक्टर के पास आप अगर जाएंगे अगर उस डॉक्टर को समझ में वो मर्ज नहीं आएगा तो वो किसी जो स्पेशल डॉक्टर है जो जिसने पीएचडी की है किसी में सब्जेक्ट में एफआरसीएस कहते हैं उसे जिस सब्जेक्ट में वो करते हैं स्पेशलाइजेशन तो अगर वहाँ पे आपको भेजा जाए इसको एक रेफरेंस कहते हैं कि उस तरफ चला जाता है इसी तरीके से हमारे लाइब्रेरी में ऐसे कितने मवाद मौजूद हैं जहाँ इस्कॉलर रिसर्च स्टूडेंट्स एंड अदर पीपल्स अगर उनको अपने डॉक्यूमेंट्स में अपने इंफॉर्मेशन में अगर कोई चीज़ उसकी अथेंटिकेशन कोई वर्ड हो कोई सब्जेक्ट हो कोई भी ऐसी बात हो उसकी अगर लीगलाइज कानूनी तरीके से अगर वो कहीं देखना चाहे तो वो रेफरेंस मटेरियल में जाके देखेगा एनीवन आप लोगों में से कोई एक बताए थोड़ी समझ में आ गई आपको जी सर आगे सर ये रेफरेंस बुक्स का पूरा पूरा सेट होता है ना और ये बुक्स इशू भी नहीं की जाती लाइब्रेरी से ये आप बाद में पूछें जो मैं टॉपिक कर रहा हूँ उस पर बताएं कि ये जो मैंने अभी रेफरेंस का हवाला और डेफिनेशन दी है वो आपको समझ में आ गई जी सर अच्छा रेफरेंस ये जो मैंने बल्फ का निशान दिया है वो इसलिए दिया है
कि रेफरेंस आपके इंफॉर्मेशन को रोशनी बख्शेगा, उसको और ब्रॉड करेगा। रेफरेंस अलोज यू टू एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर राइटर्स एंड रिसर्चर्स इन योर वर्क। एनी यूनिवर्सिटी असाइनमेंट दे ड्रॉ ऑन द आइडियाज वर्ड्स ऑफ रिसर्च अदर राइटर्स मस्ट कंटेन साइटेशन। साइटेशन का नेक्स्ट में आएगा, वो मैं आपको समझा दूंगा। रेफरेंस इज ऑल्सो ए वे टू गिव क्रेडिट टू द राइटर्स फॉर होम यू हैव टू बारोड वर्ड्स एंड आइडियाज। इसकी उर्दू में मीनिंग की है, हवाला देना आपको अपने काम में दूसरे मुसन्नफीन और मुहक्किकीन के तावन को तस्लीम करने की इजाज़त देता है। देखें, ये यूनिवर्सिटी की कोई भी असाइनमेंट जो दूसरे मुसन्नफीन के ख्यालात, अल्फाज या तहकीक पर मबनी हो, उसमें इक्तिसाद का होना ज़रूरी है। हवाला देना उन मुसन्नी को क्रेडिट देने का एक तरीका भी है जिससे आपने अल्फाज और ख्यालात को मस्तार लिए हैं। जिस तरीके से आपको एक वर्ड डिक्शनरी मिलती है, एक वर्ड मिलता है, इंसाइक्लोपीडिया में कोई सब्जेक्ट का एक मिलता है, इस तरीके से आपको कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन मिलती है, वो ये सब जो हैं आप जो हैं ये सब जो है हवाला जाती मवाद में जो है वो मिलते हैं। एनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक बहुत ही अच्छा लफ्ज है, अच्छा सेंटेंस है। रेफरेंस इसका सर्विसेज का और रेफरेंस मटेरियल का, ये एक एनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको, जिस इंफॉर्मेशन को आप ढूंढ रहे हैं, जो आपके पास है, आप देख रहे हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है अगर ये ऑथेंटिक है तो मुझे उसकी ऑथेंटिकेशन कहाँ देखनी पड़ेगी, तो वो आपको रेफरेंस मटेरियल में जाना पड़ेगा। तो एनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को रेफरेंस कहते हैं। द डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस इज समवन हु विल गिव ए रिकमेंडेशन, जो मैंने पहले कहा था, फॉर ए पोजिशन टू बिहाफ ऑफ एनदर। हवाला की तारीफ, रेफरेंस की तारीफ वो है जो किसी दूसरे की जानब से किसी अहदे के लिए भी सिफारिश करेगा। अच्छा, वो रेफरेंस भी कहते हैं ना अहदे के लिए भी, कि भाई मैं इसका रेफरेंस हूँ, आप मेहरबानी करके इसको ये अहदा दे दें, वो भी उस तरीके से भी है। रेफरेंस के कई माना है, लाइब्रेरी ड्रम में भी आ जाता है, कोर्ट में भी आ जाता है, कहीं दूसरे तरफ भी आ जाता है, तो इसकी है मतलब रेफरेंस वही है टू गिव योर अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो है ये इसका एक बेहतरीन लफ्ज है। कलेक्शन डिस्क्रिप्शन, द रिसर्च ऑफ कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ आइटम्स दैट मस्ट रिमेन इन द लाइब्रेरी so that library users can really upon their accessibility these books included encyclopedia, dictionaries, handbooks, almanacs, statistical sources and specialized materials such as atlases, sometime other will be duplicate copies or older edition of the title in the general collection। तो ये जो है आपको उस दुनिया में ले जाएगा जहाँ इसकी ज़रूरत है, वो कोई भी हो आपको इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन आपको जो है किसी भी तरीके से जो है आप उसको लफ्ज़ों के, आप उसको सब्जेक्ट मौजू के हिसाब से, आप उसको साइड के हिसाब से, आप उसको स्टडिकल इंफॉर्मेशन के हिसाब से, आप उसको डायरी के हिसाब से, अपने रिसर्च मटेरियल अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, उस मटेरियल को देखना चाहते हैं, वो सब उस लाइब्रेरी के रेफरेंस कलेक्शन के इसमें होगा। ये एक बहुत बड़ा जो है
रेफरेंस का एक बिल्कुल अपनी जगह पे कि आपकी जो जितनी भी जो है इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, आपका जो मिसिंग वर्ड्स हैं, आपको वो बात समझ में नहीं आती, आपको एकेडमिक में कोई ऐसी बात नहीं आती, उसको ढूंढना जो है वो रेफरेंस कलेक्शन में जाना पड़ेगा। इसकी मीनिंग मजमू की तफसील हवाला जात का मजमुआ उन अशिया पर मुश्तमिल होता है जो लाइब्रेरी में मौजूद रहें, ताकि लाइब्रेरी की सार्फिन अपनी रसाई पर भरोसा कर सकें। इन किताबों में इंसाइक्लोपीडिया, लुगत, हैंडबुक, अलमनेक, शुमारती ज़राया और खसूसी मवाद, स्पेशल मवाद जैसे एटलसेस शामिल हैं। कभी कभी जनरल कलेक्शन में भी टाइटल की डुप्लीकेट कापियां भी पुराने एडिशन की भी होती हैं। इसमें जी मैं कुछ फिर पूछना चाहता हूँ अपने यूज़र और पार्टिसिपेट से, काइंडली आपको वो रेफरेंस का समझ में आ रहा है अब तक कि रेफरेंस क्या है? यस एनीबॉडी टेल मी, कोई एक माइक खोले फिर वो मुझे जवाब दे फिर उसे बंद कर दे। जी पार्टिसिपेंट्स जी जी बोले, समझ में बात आ रही है रेफरेंस की? यस सर समझ आ रही है। जी मेल बता दें। जी सर समझ आ रही है। ठीक है अब अपना माइक दोबारा बंद कर दे सारे। डर्ब हो रही है ये। एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंस मटीरियल, क्या वो मटीरियल है? मैंने थोड़े से इसमें रखे हैं, वैसे तो रेफरेंस मटीरियल बहुत ज़्यादा है लेकिन जो थोड़े बहुत हैं वो मैंने इसमें रख दिए हैं, जिसमें तकरीबन हर मवाद आ जाता है। कोई अगर और भी है, और भी बहुत सारे, लेकिन ये मेन मैंने बता दिए। अलमेनिक्स होता है, एटलेसिस होता है, डिक्शनरीज होती हैं, डायरेक्ट्रीज होती हैं, इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं, गजेटर्स होते हैं, स्टेटिस्टिक के इंफॉर्मेशन होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रियर बुक्स होते हैं, बिब्लियोग्राफीज होते हैं, कैटलॉग आपका होता है, पर्सनल कलेक्शन भी होती है, थीसिस भी इसमें रखे जाते हैं, मैप्स भी होते हैं, इलस्ट्रेशन, तस्वीरें आपको जो है वो मिलती हैं, आपको पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, पीरियोडिकल्स, सीरियल्स, ये जितने भी न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन हैं, ये सब जो है ये इसमें आ जाते हैं, आपके जर्नल्स, आपके रिसर्च जर्नल्स वो भी इसमें आ जाते हैं और रिसर्च पेपर्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैंने वो लिखी थी वो इसमें ड्रा नहीं हुई है, हमारे जितने भी ऑडियो विजुअल और कंप्यूटराइज सिस्टम जो है ये सब जो है जिसमें सीडी रोम आ जाता है, जिसमें आपका यूएसबी आ जाता है, जिसमें आपका टोटल मटेरियल ऑफ कंप्यूटराइज आ जाता है, आपकी लिंक्स आ जाती हैं, आपकी वेबसाइट आ जाती है, पूरा कंप्यूटर आता है, पूरे कंप्यूटर की कॉपीज आ जाती हैं, जो प्रिंट आउट निकलता है, ये सारे रेफरेंस मटीरियल को शो करते हैं। एनी वन इंफॉर्मेशन, एनी बल्क इंफॉर्मेशन, बल्कि मैं ये एक वो लफ्ज़ पुराना ज़माने में भी पढ़ते थे कि बल्क मटीरियल, जो एक ऐसी किताब है जिसका वज़न ज़्यादा है, तकरीबन 5000, 4000, 3000 में भी वो बुक है तब भी वो रेफरेंस में जाएगी। उसके अलावा ऐसी बुक जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, भले वो टेक्स्ट हो, वो जर्नल हो, कुछ भी हो, तब भी उसको हम रेफरेंस मटेरियल में रखें क्योंकि वो अवेलेबल मार्केट नहीं है। उसके अलावा जितना कीमती जो है ओल्ड मटेरियल है वो भी हमारे रेफरेंस में चला जाता है। ये रेफरेंस मटेरियल इशू नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक जब तक आपकी लाइब्रेरी ओपन है वो अपने यूज़र को वो सिर्फ उसी प्लेस पे, उस लाइब्रेरी हॉल पे पढ़ने के लिए दिया जाता है। अगर वो कहे कि मुझे इसकी फ़ोटोकॉपी करानी है, मुझे इससे इंफॉर्मेशन निकालना है,
तो इन्फॉर्मेशन दो तरीके से निकलते हैं, एक निकलता है फोटो कापीज की वसीले से, दूसरा आपके कंप्यूटर में अगर पीडीएफ फॉर्म है या क्या है तो वो लिंक के वसीले भी आप उसको दे सकते हैं। ये इसकी थोड़ी सी मटेरियल आ गया। डॉक्टर एस आर रंगानाथन, ये बहुत बड़े हमारे लाइब्रेरियनशिप का एक बहुत बड़ा नाम, वो डिफाइन करते हैं रेफरेंस सर्विसेज को। अब मटेरियल हो गया, अब सर्विसेज पे थोड़ा सा आते हैं कि ए पर्सनल सर्विसेज टू ईच रीडर इन हेल्पिंग हिम टू फाइंड द डॉक्यूमेंट्स एंसरिंग द इंटरेस्ट एट द मोमेंट पिन पॉइंटेड पॉइंटली एक्सक्लूसिवली इन एक्सपेंशनली। ये उसने तीन चार बातें जो कही हैं, ये लाजवाब बातें कही हैं। इसकी मैं उर्दू में इसकी मैं कर रहा हूँ। डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रही है। क्या हो रही है? जी बताएं क्या हुआ? सर जफर बख्तियार का माइक कौन है सर? जी काइंडली सर माई स्पीकर्स माई पार्टिसिपेट्स काइंडली, अगर कोई बोलना चाहे जब मैं कहूँ तो आप उस टाइम पे मुझे एक या दो जो है वो एक मेल से एक फीमेल से अपनी एक्टिविटी दिखाए कि जो बात मैंने कही है वो समझ में आ रही है आपको, बाकी डिस्कशन अपन बाद में करते हैं। डॉक्टर रंगानाथन सर किसी का किसी का माइक ऑन है जिसकी वजह से ना आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। सर जफर बख्तियार साहब का ऑन है माइक ना। सर बख्तियार साहब सुन रहे हैं आवाज़? सर बख्तियार जी सर अभी ऑफ कर दिया माइक उसने। ठीक है ठीक है। अच्छा सर रंगानाथन अपने ये जो मैंने इंग्लिश में की थी उसका ये तर्जमा है, रेफरेंस सर्विस की तारीफ की है, कहते हैं कि हर कार्य के लिए एक ज़ाती खिदमत है, रेफरेंस सर्विसेज के लिए कह रहे हैं, जो उस वक्त दिलचस्पी का जवाब देने वाले दस्तावेजात को तलाश करने में उसकी मदद करती है जिसमें उसकी तवज्जो मुकम्मल और तेज़ी से होती है। मतलब इसका यह है कि हर कारी को जो है यह नहीं है कि एक आपके पास यूज़र आता है रेफरेंस के लिए और आप उसको जवाब देते हैं, आप उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं, आप उसको कोई किताब उस पर हेल्प नहीं करते हैं, उसको तो पता ही नहीं है ना। वो जो यूज़र आता है वो रॉ मटेरियल है आपका, उसको तो पता ही नहीं है कि ये जो चीज़ है मुझे कहाँ तलाश करेंगे। तो लाइब्रेरियन और जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो स्टाफ है उसका जो है ये लाजम और मलजूम है कि उसको उस इंफॉर्मेशन तक पहुँचाए। तो ये ज़रूरी है कि हर कार्य की ज़ाती खिदमत जो है वो रेफरेंस के हवाले से उसको दिया जाए, उसको तलाश किया जाए, उसकी मदद की जाए और एग्जैक्ट लोकेशन उसको बताया जाए कि ये आपका जो आप तलाश करना चाहते हैं वो ये है। इसको कहते हैं रेफरेंस सर्विसेज। जी थोड़ी बहुत समझ में आ गई, एक दो मुझे बताएं। एक मिनट जी। हेलो
झंडे है जी। आवाज आ रही है अभी आपको? जी सर। अच्छा, सेकंड जो हमारे मालवी देवी थे, मालवी देवी इन्वेंटेड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस सर्विस, उन्होंने इजाद किया था, एंड रेफरेंस लाइब्रेरियन। ग्रीन स्पोक ऑफ द डिजायरेबलनेस ऑफ पर्सनल रिलेशन बिटवीन द लाइब्रेरियंस इन रीडर्स आल्सो कॉल्ड, ये हमारे मालवी देवी जो है वो आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ रेफरेंस सर्विसेज के थे। मालवी देवी ने रेफरेंस सर्विसेज और रेफरेंस लाइब्रेरियन की इस्तलाहात ईजाद की हैं। ग्रीन लाइब्रेरियन और कारीन के दरमियान ज़ाती ताल्लुकात की मतलूबा हैसियत की बात की है। इसे हवाला खिदमात का भी बाप भी कहा जाता है। Who started the reference services? Reference services is one of the important patterns of serving readers in the modern libraries. It was put forward the first time by Samuel Sweet Green, who was the curator of Worcester Public Library of Manchester in 1876. Then reference services was accepted by the libraries all over the world. ये reference services कहाँ से start हुई? Of the important जो है 1876 वॉर्केस्टर पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ मैनचेस्टर इन 1876 में जो है ये सर्विसेज स्टार्ट हुई उस लाइब्रेरी से और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। इंडिया में कब हुआ? डॉक्टर रंगानाथन इंडिया रेफरेंस सर्विसेज स्टार्टेड बाय डॉक्टर एस आर रंगानाथन इन 1926 इन मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ लाइब्रेरी को उसने वहां से स्टार्ट किया है इसको, द सर्विसेज ऑफ रेफरेंस सर्विसेज को इन इंडिया में। अच्छा, फिर आते हैं रेफरेंस सर्विसेज पर। रेफरेंस सर्विसेज इज डिफाइंड रेफरेंस एज ए फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज सर्विसेज इन अमेरिकन लाइब्रेरीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब इन 1876 बाय सैमुअल एस। ये भी जो अमेरिका में जो हुआ है वो भी ये डेट देख लें, अच्छी तरीके से पढ़ लें। ये सवाल भी आपके MCQ में और नाम क्या है पेपर में भी आ सकता है। अमेरिकन लाइब्रेरीज ने जो फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब की उसका ये है। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ रेफरेंस असिस्टेंट्स। असिस्टेंट आर इंस्ट्रक्शन with using the library, including the locating material, using the library catalog, using computers to assess the information, and using basic reference sources or authoritative works that help you locate information about the people, facts, and ideas.
these sources can help you find the data of an important events, major achievements of an individual or organization, or a definition of term concept. Reference services, reference जो टाइप दी हुई है इधर पे, इनका मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट को, एक तो टेक्स्ट बुक, एक जनरल बुक्स तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो ऑथेंटिकेशन है, इसकी जो स्टम्पिंग है, इसकी जो लीगलाइजेशन है, वो आपको रेफरेंस मटेरियल से ही मिल सकती है. दीज बुक्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स राइदर देन रिटन टू बी द रीड कवर टू कवर. आपको वो स्पेसिफिक जो आप चाहते हैं वो आपको रिटन कवर टू कवर, पेज बाय पेज जो है आपको वो हर चीज़ जो है वो मिल सकती है. सो दे आर ऑफ्टन हेल्ड इन द स्पेशल पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी. ये स्पेशल इसका जो है पार्ट है लाइब्रेरी का, टू बी यूज्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक, इसका बस ये मसला है रेफरेंस का कि ये आपको शॉर्ट टाइम बता सकता है. आपको डिक्शनरी के अल्फाजों की माना, डेफिनेशन, उसकी सिनॉपसिस आपको चाहिए. एक शॉर्ट पीरियड है जिसमें आपको वो डिक्शनरी आपको बता सकता है. आप उसको ज़्यादा जो है टाइम नहीं दे सकते, उसको दो तीन दिन नहीं दे सकते. इंसाइक्लोपीडिया आपको सब्जेक्ट के बारे में बचाएगा. इस तरीके से जितने भी जो हमारे इंफॉर्मेशन रेफरेंसेस हैं, जो किताबें हैं, वो जो है आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम rather than check out to user over a period of days. मान आप वहाँ पर देख के फिर आप चले जा सकते हैं. इसको कहते हैं reference material, इसको कहते हैं reference services. ये उसका main part है. अच्छा, ये कहते हैं कि reference क्यों, सर्विसेज इम्पॉर्टेंट क्यों हैं. अच्छा, रेफरेंस सर्विसेज हैंडल्स इंक्वायरीज ऑफ असेस्ड यूज़र इन द फाइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. बड़ा अच्छा लफ्ज है ये. रेफरेंस सर्विसेज जो है हैंडल करता है आपकी इंक्वायरीज और असेस्ट को. आपकी क्या इंक्वायरी है, आपका क्या इंफॉर्मेशन है, आपको क्या चाहिए. इंक्वायरी मीन्स के भाई वो किस, उस जो आपका इंफॉर्मेशन है उसकी बायोडाटा क्या है, उसकी असिस्ट क्या है जो हम जाके कहाँ से उसको ढूंढे. वो रेफरेंस सर्विसेज आपको दे सकता है इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक फाइंड करके आपको वो वहाँ से निकाल के दे सकता है. दी रिक्वायर असेस, आपको क्या चाहिए, क्या इट एंड यूज टू मीट देयर नीड्स. आपकी जो नीड्स जो हैं वो क्या है. अकॉर्डिंग टू द कुमार, ये भी 2001 का था, रेफरेंस सर्विस में हेल्प टू द इस्टेब्लिश कंटेंट बिटवीन द यूज़र इन राइट डॉक्यूमेंट्स एट द राइट टाइम. ये एक बहुत बड़ा, ये कुमार साहब थे 2003 में, ये बड़े थे. ये कहते हैं कि यूज़र एंड द राइट डॉक्यूमेंट एंड द राइट टाइम, ये बहुत बड़ा अच्छा सा लफ्ज़ है रेफरेंस के लिए कि आपकी आप उसको हेल्प कर सकते हैं जो यूज़र है, उसको राइट टाइम पर डॉक्यूमेंट दे दें और राइट टाइम वो डॉक्यूमेंट राइट टाइम पे भी होना चाहिए. देयर आर सेविंग द टाइम ऑफ द यूज़र, उसका जो टाइम जो है वो उसका बच जाएगा, उसको उसी टाइम पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. अच्छा, टाइप ऑफ द रेफरेंस सर्विसेज इन लाइब्रेरी, different type of reference services. The goal of library reference services are to be connect library users with the best availability library in information resources for their research needs, and to be achieve the connection between the library and users in the most effective manner according to its nature. Reference services may be categorized as a two different type, ready reference services, long range of reference services. ये पूरा reference services जो library की है उसने अपना सारा connectivity
कर दी है कि अपने यूज़र को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, किस तरीके से आप जा सकते हैं। इट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडी रेफरेंसेस। मुख्तलिफ किस्म की रेफरेंस सर्विसेज हैं। लाइब्रेरी की रेफरेंस सर्विस के अहदाफ लाइब्रेरी के सार्फिन को उनकी तहकीकी ज़रूरियात के लिए बेहतरीन दस्तियाब लाइब्रेरी और मालूमाती वसाइल से जोड़ना और लाइब्रेरी और सार्फिन के दरमियान इंतहाई मौसर तरीके से रबता हासिल करना है। इसकी नौयत के मुताबिक हवाला खिदमत को दो मुख्तलिफ इकसाम में दर्जा बंदी किया जा सकता है। एक उसमें लॉन्ग रेफरेंस जो मैंने जो ये दो बताई थी वो ये हैं। रेडी रेफरेंस जो आपको दो टाइप हैं उसकी जो मीनिंग ये क्या है ये किसको कहते हैं ज़रा देख लें अच्छी तरीके से। रेडी रेफरेंस सर्विसेज इज़ द रेफरेंस सर्विसेज फिनिश इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। देखें ये रेडी रेफरेंस क्या है, ओनली रेफरेंस टू प्रोवाइड इन ए फिनिश्ड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम इन ए मोमेंट ऑफ पॉसिबल। समझ गए जी कि वो जो रेडी रेफरेंस है अगर मैं डिक्शनरी का कोई अल्फाज जो है इंसाइक्लोपीडिया का एक मौजू है टॉपिक है अगर हम उसकी मेन उसको अगर हम देंगे सर्विसेज देंगे तो उसी टाइम पे तकरीबन डिक्शनरी उठाई उसका अल्फाज देखे उसका सब्जेक्ट देखा जस्ट ए मिनट जस्ट ए फाइव टू टेन वेरी शॉर्ट ऑफ द पीरियड हमने उसको दे दी। इसको कहते हैं रेडी रेफरेंस सर्विसेज इन ए मोमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विसेज इज बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मोस्ट रेडी रेफरेंसेज क्वेश्चंस आर सॉल्व इन ए फ्यू मिनट्स। ठीक है जितने भी जो क्वेश्चन है वो रेडी रेफरेंस में उसको हल किया जाता है फ्यू मिनट्स में। वाइल सम टेक ए लॉन्गर टाइम बट सेल्डम मोर देन हाफ एन आवर। अगर आधे घंटे के अंदर भी दिया जाए तो उसको हम रेडी रेफरेंस सर्विसेज कहते हैं। इन केस ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विसेज द रेफरेंस स्टाफ इज अवेलेबल टू द एंसर द इंक्वायरी इन ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम मे बी ए इमीडिएटली। डिफरेंट रेफरेंस बुक आर यूज इन रेडी रेफरेंस सर्विसेज सच एज इंसाइक्लोपीडिया हो गया डिक्शनरीज हो गई ईयर बुक हो गए डायरेक्ट्रीज हो गई बिब्लियोग्राफीज हो गई डायरेक्ट्रीज हो गई ज्योग्राफिकल डिक्शनरीज हो गई ETC जो भी जितनी भी हैं वो हैं। इसकी मीनिंग अब देखना रेडी रेफरेंस सर्विसेज। रेडी रेफरेंस सर्विसेज वो है जो बहुत कम वक्त में ख़त्म हो जाती है। अगर मुमकिन हो तो एक लम्हे में तैयार हवाला खिदमत के तस्वीरात वक्त की मुद्दत पर मबनी है। हवाला जात के ज़्यादातर सवाल चंद मिनटों में भी हल हो जाते हैं जबकि कुछ में ज़्यादा वक्त लगता है लेकिन शायद व नादरी आधे घंटे से ज़्यादा रेडी रेफरेंस सर्विस की सूरत में रेफरेंस का अमला इंक्वायरी का जवाब बहुत कम वक्त में दे सकता है। हो सकता है फौरी तौर पर दे। मुख्तलिफ हवाला जाती किताबें तैयार हवाला खिदमत में इस्तेमाल होती हैं जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया हो गया डिक्शनरी हो गया सालाना किताबें हो गई डायरेक्टरी सवाना लगात जाफराई लगात वगैरह जितने भी हैं ये सब हो जाती हैं। ये समझ लें कि रेडी रेफरेंस सर्विसेज क्या हैं। रेडी रेफरेंस सर्विसेज वो है जो शॉर्ट ऑफ द टाइम में आप उसको दें उसे कहते हैं रेडी रेफरेंस सर्विसेज। अच्छा अब सेकंड पार्ट आता है लॉन्ग रेफरेंस सर्विसेज। लॉन्ग रेफरेंस सर्विसेज
इज नॉट ए केपेबल टू बी द रेंडर्ड इमीडिएटली। ठीक है, बहुत अच्छा अल्फाज है कि लॉन्ग रेफरेंस अगर आप देंगे वो कैपेबल नहीं है उसको जो है इमीडिएटली जो है इतना बड़ा वो उसने जाके रेफरेंस मटेरियल दिया है कि हम उससे शॉर्ट टर्म में शॉर्ट पीरियड में शॉर्ट ऑफ द टाइम में हम नहीं दे सकते। फ्यू लॉन्ग रेंज रेफरेंसेस क्वेश्चंस, बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं टेक लेस देन ए हाफ एन आवर, जिसको आधा घंटा और एक घंटा भी लग सकता है, वाइल सम टेक ए होल डे, पूरा दिन भी लग सकता है उसमें, एंड इवन वीक भी लग सकती हैं उसमें। इन लॉन्ग रेंज ऑफ रेफरेंस सर्विसेज द सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन स्टार्ट विथ रेडी रेफरेंस सर्विसेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट इज पॉइंट कंटिन्यूड इन टू द ऑर्डनरी बुक्स रिपोर्ट्स पीरियडिकल ईटीसी इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट लोकेटेड इन द लाइब्रेरी देन सर्च में बी कंटिन्यूड इन द रिसोर्स ऑफ अदर लाइब्रेरीज इवन कैरिड आउट टू द लाइब्रेरीज इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसकी मीनिंग देख लें फिर इस पर बात करते हैं। लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज फौरी तौर पर पेश करने के काबिल नहीं है। कुछ लम्हे रेंज के हवाला जात के सवाल में आधे घंटे से भी बहुत कम वक्त लगता है, जबकि कुछ को पूरा दिन और यहाँ तक के हफ्ता भी लगते हैं। लॉन्ग रेंज रेफरेंसेस सर्विसेज में मालूमात की तलाश, मालूमात की तैयार हवाला जाती खिदमात के साथ शुरू होती हैं और इसे आम किताबों रिपोर्टों रिपोर्टों और रिसाला वगैरह में जारी रखा जाता है। अगर मालूमात लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है तो फिर दूसरे वसाइल में तलाश जारी रखी जा सकती है। लाइब्रेरी यहाँ तक कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी लाइब्रेरियों तक पहुँचाई जाती हैं। ये समझ लें कि लॉन्ग रेंज रेफरेंसेस वो रेफरेंसेस हैं जो उसी शॉर्ट फॉर्म में हल नहीं हो सकते, उसी टाइम पे वो नहीं हो सकते। इतना बड़ा जो इंफॉर्मेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उसका हवाला जो है वो ढूंढना पड़ता है, कई कई घंटे लग सकते हैं, कई दिन लग सकते हैं, हफ्ता लग सकता है। जो लॉन्ग रेफरेंस जो है जो टाइम ज़्यादा लें उससे लॉन्ग रेंज रेफरेंस कहते हैं। ये दो टाइप की रेफरेंसेस के टाइप हैं जो आपको अच्छी तरीके से मैंने बताई हैं, तो ये इसको याद रखना है। बेसिकली तौर पर हम क्या करते हैं कि जब लॉन्ग रेफरेंस में कई ऐसे रिसर्च, असल में ये रिसर्च का जो है लॉन्ग रेफरेंस में रिसर्च का बड़ा आ जाता है कि उसको आर्टिकल ढूंढने में, उसको आर्टिकल लिखने में, उसको आर्टिकल को मानो उसका जो रेफरेंस मटेरियल है वो इतना बड़ा है कि उसे वो एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में नहीं दे सकते, तो उसके लिए घंटों दिनों और हफ्तों में जबकि ये मुकम्मल होगा उससे लॉन्ग रेफरेंस सर्विसेज कहते हैं। ठीक है जी, समझ गया ये? जी सर। अब थोड़ा सा मुझे बताएं, एक तो वो मेरा एंड हो गया रेफरेंस सर्विसेज मटेरियल, काइंडली अगर उस पर कुछ मुझे बताएं, कुछ अपने क्या समझ में आया क्या नहीं आया। रेफरेंस मटेरियल क्या है कोई बताएगा? जी सर, रेफरेंस मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है हम लाइफ से बाहर देख सकते हैं, स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं होता, उसको सिर्फ हम लाइब्रेरी के अंदर ही बैठ के यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं, डिक्शनरीज होती हैं, डायरेक्टरीज होती हैं, जर्नल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, इस तरह का जितना भी मटेरियल होता है उसको सिर्फ लाइब्रेरीज के अंदर ही यूज़ किया जाता है। जी, और कोई बताएगा? जी 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 समी साहब। सर, ऐसा मटेरियल जिसको हम मुसलसल मुतालिया नहीं करते बल्कि एक मखसूस इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, बहुत ज़बरदस्त रीड करते हैं उसे रेफरेंस में। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जी
एक मुझे बात समझ में नहीं आ रही, कल सर जफर बख्तियार साहब ने भी अपने हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, उनको वो जवाब नहीं मिल रहा, एंसरिंग नहीं हो रही है, ये क्या इसके बारे में तो मुझे कहें ना। अब मैं सबको कह रहा हूँ कि एक दो तीन क्या सो गए, इतना मेरा बोरिंग टॉपिक तो मेरे ख्याल में नहीं, तो हिस्ट्री बोरिंग होती है, ये तो एक ऐसा मैंने आपको दिया है, तो काइंडली इसके बारे में ज़रा हर कोई जो 23-24 बंदे हैं जो हमारे हैं पार्टिसिपेट, काइंडली एक एक करके बता दें कि सर समझ में आ गई रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस मटेरियल क्या होता है, रेफरेंस सर्विसेज क्या होता है, ये तीन चीज़ें बताइए जी। सर रेफरेंस बेसिकली हवाला है, रिकमेंडेशन है जो हम देते हैं, और उसके बाद रेफरेंस मटेरियल वही जैसे पहले इनका है कि ऐसा मटेरियल होता है जिन लाइब्रेरी से बाहर नहीं लेके जा सकते, लाइब्रेरी के अंदर ही उसे यूज़ किया जाता है, और वो डेफिनेटली मतलब एक मखसूस इंफॉर्मेशन जब हमने उसके लिए हमने अपनी कलेक्ट करनी होती है, और उसमें डिक्शनरी, पेरियोडिकल्स, इसके अलावा मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये जितने भी चीज़, ऑडियो वीडियो सीडीज, जितनी भी चीज़ें हैं वो उसमें आ जाती हैं। फिर इसकी दो तरह की सर्विसेज होती हैं, एक रेडी रेफरेंस सर्विस होती है और एक लॉन्ग टर्म होती है। रेडी रेफरेंस सर्विस वो होती है जो हम मतलब फौरी एक मालूमात और वो जो सारी हम दे देते हैं, और लॉन्ग टर्म है जिसमें मतलब दिन भी लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं, और एक मतलब एक लॉन्ग टाइम अरसा जो है वो उस इंफॉर्मेशन के लिए लग सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त आपने बयान किया है, आपने मेरे लेक्चर को जो है ए से लेके जेड तक जो है ना आपने चंद अल्फाजों में बयान कर दिया, माशाल्लाह जी। अपना नाम बताएंगे? सर सर जी, जिस फीमेल ने ये सर आपने जी सर आपने बता दिया कि रेडी रेफरेंस सर्विस जो है वो हमें सेकंड में मिनटों में जवाब देती है, यानी करती है, तो उसकी एग्जांपल आपने दिया सर, डिक्शनरी है, इंसाइक्लोपीडिया है, अलमनाक है, और जो लॉन्ग सर्विस है सर वो हमें दिनों में हफ्तों में प्रोवाइड करती है खिदमत, लेकिन सर उसकी एग्जांपल क्या होगी? उसके एग्जांपल देखो डॉक्यूमेंटेशन है, वो माना हमारे रिपोर्ट्स हो गई, रिसर्च का जो बहुत बहुत बड़ा है कि रिसर्च में जो है ना रिपोर्ट्स किस बुनियाद पर लिया जाए, मैं वर्ड्स की बात ही नहीं कर रहा ना, लॉन्ग रेफरेंस में कोई बुक्स नहीं आती हैं, ठीक है, वो उसमें वो मटेरियल आता है जो लॉन्ग पीरियड में हो, वो कोई भी मटेरियल हो, आपके इंसाइक्लोपीडिया में वो जो यूज़र आ रहा है वो कह रहा है कि मुझे एक सब्जेक्ट नहीं चाहिए, मेरे पास तकरीबन 20 टॉपिक हैं, इस पे मुझे बताएं, तो 20 टॉपिक जो अगर हम ढूंढेंगे, सब्जेक्ट मजमून ढूंढेंगे इंसाइक्लोपीडिया में, वो कितना टाइम लगेगा समी? टाइम ठीक है जी, एक डेढ़ घंटा या कोई आधे घंटे से ज़्यादा, आधे माना आप ये देख रहे हैं कि मटेरियल भी यही है या कुछ इससे दूसरा रेफरेंस में है, लेकिन जिसमें टाइम ज़्यादा लगे उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस कहते हैं, मटेरियल वही होगा, मटेरियल आपका दूसरा भी हो सकता है, रेयर बुक्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग अगर आ गई, वो कहता है मुझे 10 सालों की कटिंग दिखाएं तो कितने दिन लगेंगे, मैगजीन की कटिंग देख लें, डॉक्यूमेंटेशन देख लें, पाकिस्तान का मेरे को कह रहे कि मेरे को पूरी हिस्ट्री बताएं उसकी, 1947 से लेके अभी तक 2022 तक क्या हुआ, कितने महीने लगेंगे? नहीं जी सामी, समझ गए जी? बिल्कुल सर, थैंक यू जी। एनीवन अदर? जी बताएं, एनीवन अदर? सिर्फ 3-4 ने का मुझे रिप्लाई दिया है, मैं कहता हूं 23 जने मुझे रिप्लाई दें। हेलो जी सर, रेफरेंस मटेरियल जी, फीमेल आप बात जी जी, सिस्टर आप बताएं सर, थोड़ी जोर से बात करें जी।
सर रेफरेंस मटेरियल दोज मटेरियल व्हिच इज नॉट अवेलेबल इजीली इन। एक मिनट आप अपना माइक बंद कर दें जी। सर मैंने ना पीपीएससी का। जी सर जी, जी अरसलान पहले आप बात करें उसके बाद मैं बता दूंगा कि किसने बात करनी है। अरसलान पहले आप अपना क्वेश्चन पुट करें। जी अरसलान चले जी, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक सोर्स। सर माय नेम इज अदनान। ठीक है आप अदनान बात करें जी, करना चाहते हैं, आपने अच्छी बात कही, दोबारा आप रिपीट करें जी। जी सर रेफरेंस मटेरियल दोज मटेरियल व्हिच इज नॉट अवेलेबल इजीली इन मार्केट, दोज मटेरियल व्हिच प्राइस इज more than 3000, reference material cannot issue only available for the, in the library, within in the library. There are two kind of reference, ready reference material, ready reference those material which we provide just in second minute or only in short duration. Long term reference material, material in which we require some time fulfill the need of the user. जी आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें सिर्फ एक आपने जो जो प्राइस लिखी ना जो 3000 की है, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 3000 की बुक हो वो रेफरेंस में लिखी जाए। इट इज़ नॉट मेंशन ऑफ मनी। हाँ ये है कि अगर वो आज के दौर के हिसाब से कोई ऐसी बुक है जो हम उसको कहते हैं 10,000 से ऊपर की हो, 20,000 की हो, 50। हाँ उस टाइम तो नेट प्रॉब्लम, तो मैंने सही वर्ड नहीं सुना जो प्राइस वो बात कर रहे थे। जी जी मतलब कि 3000 वाली कोई भी बुक जो है ना रेफरेंस में वो भले आप रख सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं उसको, इट्स नॉट प्राइस फॉर दिस बुक। वो बुक है जिसकी प्राइस हाई हो, आज के दौर में तो जारी बात है कोई 5000 से या 10000 से ऊपर होनी चाहिए, वो रेफरेंस में हम रख सकते हैं। ठीक है जी सर, सर 3000 से सर 3000 से लो कॉस्ट वाले एग्जाम रेफरेंस और सेक्शन में नहीं रख सकते हैं आप? मैंने आपको तीन चार चीज़ें रेफरेंस की बताई हैं, वो किताबें जिनकी प्राइस हाई हो। सर इधर ठीक नहीं आ रही इस वजह से हम बार बार पूछ रहे हैं। जी जी बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। 3000 आजकल आम सी एक नाम क्या है, हर कोई जो है ना वो भर सकता है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि 3000 वाली बुक रेफरेंस में हो। मैं तो ये कहता हूँ कि 5000 से ऊपर होनी चाहिए, वो आप पे है लाइब्रेरियन पे है कि अगर वो 3000 की आपके यूज़र नहीं ले सकते तो उसको आप रख सकते हैं। लेकिन सर मेडिकल कॉलेज जो होते हैं जो वहाँ पे लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं तो वहाँ पे तो आपको पता है 10,000, 6,000 और इससे अबव की बुक्स होती हैं जो वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, ज़रूरत ही नहीं होगी इतनी महंगी फिर वो रेफरेंस में रखें। तो ये तो मेरा ख्याल है कि इसमें ये ऐसी जो चीज़ें हैं ना जैसे डिक्शनरीज हो गई और मैप्स वगैरह हो गए, ये ऐसी चीज़ें लाइब्रेरी से बाहर नहीं लेके जाया जा सकता है ना इनके, अब तो इसकी वजह से इनको वहीं पे रखते हैं ताकि सारे इससे इंफॉर्मेशन जो है वो आए और हासिल ले सकें। अब ये तो नहीं है कि हफ्ते हफ्ते के लिए डिक्शनरी को या मैप्स को या इनको वो इशू करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मुझे ये एक बात पता है कि मेडिकल की या इंजीनियरिंग की जो किताबें हैं बहुत कॉस्टली होती हैं, तो फिर क्या किया जाए, उनका रेफरेंस में रखें उसको या वो इशू होती हैं या नहीं होती हैं? कोई मेडिकल का है यहाँ पे? नहीं नहीं सर वो रेफरेंस में तो नहीं, लेकिन वो जो है इतनी हाई प्राइस की होती हैं वो, मतलब उनको ज़ाहिर सॉफ्ट में भी होती हैं तो और हार्ड में भी होती हैं, फिजिकल यानी लाइब्रेरी में होती हैं, तो वो अक्सर स्टूडेंट्स को मतलब इशू भी करते हैं और उसके बाद जो है सॉफ्ट में भी देते हैं, लेकिन ये है कि इशू करते हैं हफ्ते के लिए करते हैं, दो के लिए करते हैं, लेकिन फिर ज़ाहिर वो फिर रिटर्न इशू वाला सिलसिला चलता रहता है। लेकिन ये है कि इतनी हाई प्राइस की वजह से वो भाई भाई कह रहे थे ना कि 3000 से जो अबव की होती हैं तो उनको रखते हैं, तो मैं सोची थी कि मेडिकल में तो वो तो खत्म है। मेरा जो सवाल वो ये है, इसका जवाब मुझे दे दें
कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो किताबें हैं वो 5000 से 10000 तक बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, और वो रेफरेंस वाली नहीं होती हैं, कीमत उनकी ज़्यादा होती है, तो वो इशू होती है या नहीं होती है ये बताएं। मेडिकल वाला कोई है तो वो मुझे बताएं। सर मेडिकल स्टूडेंट्स को होती हैं, ठीक है, करते हैं फिर वो। अस्सलाम सर, मैं मेडिकल कॉलेज है उधर लाइब्रेरी हूँ, तो उधर ना जो ओरिजिनल बुक्स होती हैं, इधर 1,20,000 वाली बुक्स भी है, इस तरह का हाँ। कास्टली बुक्स हैं, उनकी पेरेटेड ना कॉपी रखी हुई है। ये मैडम मैंने ये बात की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पेरेटेड कॉपी होती है, यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर वो जो भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की लाइब्रेरी होती है जिसका अमाउंट हाई 5000 से ऊपर 10000 से ऊपर या 1,00,000 के अंदर हो, जैसे अभी हमारा इस कॉन्सेप्ट में रेफरेंस में ये क्या कि वो जो नाम क्या है बुक अगर हाई प्राइस की है तो हमें वो रेफरेंस में रखते हैं, लेकिन मेडिकल और इस यूनिवर्सिटी में इस तरीके की नहीं होती है, वो उनकी पायरेट कापी रखी जाती है या उनकी पेपर रखी जाती है या उनकी फ़ोटो कापी भी रखी जाती है। ये मैंने बाज़ार खुद विज़िट भी किया और इस तरीके से, और मैंने इसका और ये भी रखा है कि गाइड उनकी जो होती है ना एक पेपर, मैंने उसको बिल्कुल एक कंसाइज शेप में रखा है, मैंने उसकी समरी जो है या उसकी सेंट्रल आइडिया उस पूरे बुक की जो है वो रख दी है। आजकल तो जो कंप्यूटराइज आ गया है, पीडीएफ फॉर्म भी आ गया है, ये आ गया वो आ गया है, तो वो उनको देते हैं, और अक्सर मैंने देखा है कि उनको फ़ोटो कापीज जो है उसकी भी सहूलत दी जाती है। ठीक है जी, समझ गए जी? जी जी सर समझ गए टोटल। अच्छा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि ये रिलेटेड है, सोर्स जो है रेफरेंस हो गया, हमारी तीनों चीज़ें हो गई, अब सोर्स के पास आते हैं कि ये है क्या। सोर्स नाम है ज़रिया। सोर्स इज़ ए पर्सन और बुक दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर ए पर्टिकुलर इन एग्जैक्ट वर्क ऑफ एंड रिसर्च। ठीक है जी, सोर्स जो है जरिया, कोई बताएगा, कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा मेरे साथ कि ये सोर्स क्या है, मीनिंग भी लिख मीनिंग बताएं, मैंने इंग्लिश में बता दिए, देख लें जरा मुझे इसकी मीनिंग बताएं। सर सर सोर्स कोई शख्स भी हो सकता है, बुक हो सकता है, वो एग्जैक्ट अरे किसी टॉपिक के हवाले से वो आपका सोर्स होगा सर, और जिस थ्रू के जिस कंप्यूटर के ज़रिए या सर लैपटॉप के ज़रिए या मोबाइल स्क्रीन के ज़रिए आप उस इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे तो आपका रिसोर्स होगा सर जी। और कोई सर, मतलब जब भी कोई हमें इंफॉर्मेशन मालूमात कोई भी चीज़ हम किसी चीज़ से लेते हैं, चाहे वो एक बुक है, चाहे वो कोई शख्स है, चाहे वो तो हमारा वो एक सोर्स है, यानी वो एक जरिया है जिससे हमने इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी हासिल की और अपनी ज़रूरत पूरी की। जी और कोई जी, लाइब्रेरी सोर्स क्या है ये बताएं। लाइब्रेरी में सोर्स तो बुक्स ही हो सकती हैं, क्योंकि बुक्स से हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, और वो बाकी वही हो गया डिक्शनरीज और मुख्तलिफ जो हमारी हो गए साइकोपीडियाज वगैरह, उससे भी हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो वो बिल्कुल बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरा हमेशा यही है कि पार्टिसिपेंट्स को भी आपके अपने साथ शामिल किया कर लें। रेफरेंस के बाद इसका सेकेंड पार्ट आता है सोर्स, वो कौन सा लीगलाइज सोर्स है। मैं तो लीगल का लफ्ज़ बार बार इसलिए कहता हूँ कि हमारी जो रेफरेंस है वो लीगलाइज ऑथेंटिक जो है हमारे पास जो रखा हुआ है इसको सोर्स कहते हैं। जो भी रेफरेंस मटेरियल रखा हुआ है आपकी लाइब्रेरी में वो हमारा सोर्स है। जो आपके लाइब्रेरी कंप्यूटर में जो रखा हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं,
जो भी उसमें जो चीज़ें आ जाती हैं, जो आउटपुट आ जाता है, वो आपका सोर्स है। हमेशा जब भी जो ये की जाती हैं, जैसे एक किताब है रिसर्च वर्क पे, जब वो लिखी जाती हैं तो रेफरेंस नीचे जो है वो उसमें दिया जाता है, या तो एंड ऑफ द बुक्स में रखा जाता है या तो उसी पेज पे रखा जाता है नीचे कि ये मैंने फिलाने फिलाने सोर्स ऑफ बुक रेफरेंस जो रखा जाता है वो सोर्स की एक पेज है जिसमें ये कहा जाता है कि ये जो है ये जो कोट जो मैंने किया, ये अल्फाज जो मैंने रखे हैं, ये जो मैंने कोटेशन रखी है, ये फिलाने से जो जो बुक थी उसका ये था, इसको सोर्स कहते हैं। उस बुक का नाम अगर आ जाए तो उसको सोर्स कहते हैं। ठीक है जी, समझ गए। टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एविडेंस आर ऑफ्टन कैटेगराइज ए प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी मटीरियल। दीज क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन द ओरिजिनलिटी ऑफ द मटीरियल। ये बहुत ही सोर्स की जो है ना उसने बता दी, सोर्सेज वो इंफॉर्मेशन है जो एविडेंस पे आप कैटेगराइज किया जाता है, आपकी एविडेंस जो है क्या है उस किताब में, वो सोर्स क्या है जहाँ से ये एविडेंस मिली है। ठीक है, वो तीन किस्म की होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी, ये तीन टाइप की मटीरियल सोर्स में आती हैं। ठीक है, प्राइमरी सोर्स को हम उर्दू में बुनियादी ज़राए कहते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक सोर्स। दीज सोर्सेज आर रिकॉर्डेड ऑफ इवेंट्स आर एविडेंस एज दे आर फर्स्ट डिस्क्राइब आर एक्चुअली हैपेंड विदाउट एनी इंटरप्रिएशन ऑफ कम्युनिटी। इट इज़ द इंफॉर्मेशन दैट इज शोन फॉर द फर्स्ट टाइम, वो इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट टाइम आपको मिली हो, और ओरिजिनल मटेरियल जो फर्स्ट टाइम आपको मिला इन विच अदर रिसर्च इन बेस पे हो। तो मतलब है कि बुनियादी ज़रा वो सोर्स जहाँ से आपको मिला है उसकी बुनियाद ये है कि वो आपको फर्स्ट टाइम मिली हो, ओरिजिनल हो, उसको ये कहते हैं। दी उसमें एग्जांपल प्राइमरी सोर्स थीसिस जो होती है, आपकी डिजर्टेशन, स्कॉलरली जर्नल्स आपके आ गए, आर्टिकल्स आ गए, रिसर्च बेस्ड जो होता है, सम गवर्नमेंट रिपोर्ट्स जो होती हैं जो उसी टाइम पे बन जाती है आप उसको देखते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो गई, प्रिसीडिंग हो गई, ओरिजिनल आर्ट वर्क हो गया, पोइम्स आपकी मिल जाती, फोटोग्राफ्स आपको आते हैं, स्पीचेस, लेटर्स, मेमोज, पर्सनल नैरेटिव्स, डायरीज, इंटरव्यूज, इंटरव्यू जो है ना फर्स्ट टाइम किया जाता है, ऑटोबायोग्राफीज और करस्पॉन्डेंस, ये वो बुनियादी जो है वो जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन, बेसिक सोर्स जो है वो ये है कि जो आपको फर्स्ट टाइम आपको एक्चुअल एविडेंस मिल जाए उसको वो बुनियादी सोर्स और प्राइमरी सोर्स कहता है, जो पहली मरतबा आपको जो चीज़ मिली हो। जी ये समझ गए, बुनियादी प्राइमरी सोर्सेज। जी सर। जी अनदर फीमेल्स, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहे बुनियादी जराए प्राइमरी सोर्स के बारे में? जी सर, वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि फिल्टर फॉर्म में ना हो, जिसको हम ओरिजिनल इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं या फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। गुड, और कोई जी? अच्छा, ये तीन चार स्टूडेंट बोलते हैं, बाकी क्या उनके मुंह में क्या ज़बान नहीं है क्या? मैं अच्छा अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, असल में मैं ख़ुद जो हूँ बेसिकली जो है ये काम तो मैं करता था, ये क्लासेस लेना,
आपने सर बख्तियार साहब के साथ बहुत काम किया, दूसरे जो हमारे कलीग के साथ बहुत किया, लेकिन मैं बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर ये है कि ये जो मेरे जो दूसरे जो 20 बंदे हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरे भाई मेरे सिस्टर्स वो आप क्या कर रही हैं, ये तो आप क्यों, मैं तो ये कहता हूँ आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। उस दिन भी कल की बात है या परसों की बात है, परसों की बात है कि सर बख्तियार बोलते गए और सिर्फ 3-4 के अलावा कोई नहीं बोल रहा है। तो आप बताएं अपने बारे में, कुछ बताएं तो सही ना, मैं कुछ आपको गाइडलाइन तो दूं ना। और अगर आप बोलेंगे नहीं, ये मैं आप शर्तिया कह रहा हूं, लिख लें सामी, मिस्टर सामी सर, आप लिख लें नोट, आप लिख लें नोटबुक पे कि जो नहीं बोलेगा वो कमीशन में मेरे ख्याल में उसके 50% चांसेस होंगे, नॉट फॉर 100%। जी सर यही बात है बिल्कुल। आप लिख लें आज 40-45 दिन तक हम इधर हैं, जफर बख्तियार मेरे जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी मेरे स्पीकर्स हैं, उनको आज मैं लिख के देता हूँ जो नहीं बोलेगा, जो क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, जो आंसर का जवाब नहीं देगा, उसको मैं अभी से कह रहा हूँ कि यू आर ओनली 50% टू कम इन द कमीशन, या अच्छी इंटरव्यू में आप जो है वो नहीं आ सकेंगे। ये बहुत बड़ी बात, मैंने वो जो कहते हैं ना अपन जो पढ़ते थे हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस मैं आपको कह रहा हूँ। इसने अल्फाज के बावजूद भी अगर आप नहीं बोलते हैं तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, तो काइंडली आप बताएंगे कुछ। जी रुस्तम साहब आप ही तो मुझे रोक लेते, वरना तो मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि सर हम इनको ब्लॉक करते हैं, जो बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं उनको लेक्चर देंगे, दूसरों को उस वक्त तक लेक्चर नहीं देंगे जब वो हल्फन नहीं कहते कि हम रिस्पॉन्स करेंगे। सर आप शफकत करते हैं इन बच्चों के ऊपर, लेकिन ये बच्चे जो है ना शफकत का जायज फ़ायदा उठाते हैं, आप हमें इजाज़त दें तो फिर देखें कैसे ये रिस्पॉन्स करते हैं सर। या सर जफर साहब क्या करें इन बच्चों को, मैं क्या पनिश करें, क्या पनिश करें, देखें मसला इनके कैरियर का है, मसला इनके कैरियर का है, अगर कैरियर का नहीं होता तो हम उसको पहले दिन ही हम आउट कर देते। मैं तो इतना कह रहा था कि इनका एक टेस्ट ले लेते, बेसिकली जो लाइब्रेरी साइंस का जो टेस्ट है, जब हम एडमिशन लेते हैं बैचलर्स का तो एक जो है टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी टेस्ट, उसके बुनियाद पर लाइब्रेरी साइंस लिया जाता है। इसी तरीके से बख्तियार साहब मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसका टेस्ट लेके फिर हम इंटर होने देते, लेकिन जैसे कि ये आपका अपना ग्रुप है, मैं आपको दोबारा ये कह रहा हूँ ये वक्त ये टाइम जो है यकीन करेंगे फिर दोबारा नहीं आएगा, ऐसे उस्ताद आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जब ये वक्त चला जाएगा ना तो फिर आप जो है वो एक तमाशबीन की तरह रह जाएंगे कि हमने क्यों नहीं रिएक्ट किया, हमने क्यों नहीं सर पढ़ा रहे हैं बोल रहे हैं, पता नहीं कितनी दफ़ा हम बोल रहे हैं, हम उसका सही असल मसला ये है कि हमें जो है जब पढ़ाते हैं ना, जब वहाँ से कोई 3-4 के अलावा कुछ नहीं मिलता तो हम डिस्करेज हो जाते हैं, हम कहते हैं कि शायद हमारे वो अल्फाज जो है वो उनको समझ में नहीं आ रहे, उनके कानों तक नहीं पहुँच रही। इंटरव्यू का पहला उसूल मैं आपको समझा दूँ, पहला उसूल है कि आप जब तक बोलेंगे नहीं आप में वो कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, भले आप गलत बोलो, भले आप गलत जवाब दो। मुझे याद है मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी का एक एक्सपीरियंस है। तकरीबन मेरी माना मैं जब पोजीशन होल्डर होके आया तो इतना कॉन्फिडेंट था, लेकिन मुझे स्पीच जो है वो इंटरव्यू के बारे में पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं, तो थोड़ा सा मैंने गेन किया इस तरीके से, क्योंकि हम एक्टिव थे क्लास में, यकीन करें उस क्लास की एक्टिव की वजह से मैं आज इस मकाम पे हूँ, मैं ये आपको बता रहा हूँ। हुआ यूँ कि जब इंटरव्यू हुआ यूनिवर्सिटी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ मैंने तकरीबन 7-8 क्वेश्चन उसने रिपीटली मुझसे पूछ लिए, हाँ जो जिसको हम कहते हैं अभी आपको बताया था जो, तो मैंने वो सारे क्वेश्चन जवाब दिए। एक ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आ रहा था, नहीं मैंने पढ़ा था, तो मैंने
उसको इस तरीके से जवाब दिया, उस एक्सपर्ट को पता था कि ये जवाब गलत है लेकिन मैंने उसको घुमा दिया। ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि मैं क्लास में एक्टिव था, नहीं तो कोई दूसरा, आप देखते हैं इंटरव्यू में क्या होता है, जवाब नहीं आता उसका मुंह जैसे सैंडविच जैसा बन जाता है। ये पहला उसूल है, पहला आपको बता रहा हूँ, मेहरबानी करके क्लास में एक्टिव हो जाएं। अगर आप एक्टिव हो गए मुझसे 17 ग्रेड की जो है नौकरी ले लें, ठीक है जी। ठीक है जी, प्राइमरी हमने समझ ली। सर इसमें एक डेजिनेशन लिखा हुआ है वर्ड प्राइमरी में, वो थोड़ा बता दें। और एक ओरिजिनल आर्ट वर्क लिखा हुआ है सर, वो ओरिजिनल देखें। ओरिजिनल आर्ट वर्क तो वो है जो बेसिक, जब हम एक तस्वीर बनाते हैं ओरिजिनल आर्ट, उसका वो फर्स्ट टाइम है ना, समझ गए जी। ओरिजिनल आर्ट जब बनाते हैं वो उसी टाइम पे हम फर्स्ट टाइम बनाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज पे, समझ गए जी आप जी। जिसने क्वेश्चन पूछा था वो समझ गया सर जी, आवाज थोड़ी कभी आ जा रही है कभी नेट प्रॉब्लम है आप। एक तो दूसरी बात ये है कि अपने नेट को थोड़ा सा आप रखें अच्छी तरीके से ना, वाईफाई में या जहां आप आपका हो रहा है। सर नेट पैकेज होता है फिर भी सिग्नल प्रॉब्लम हो जाता है, इसकी वजह से आवाज कट जाती है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं, आवाज नेट पैकेज भी है और कई मसाइल हैं, वाईफाई के कई मसाइल हैं और रिमोट एरियाज में जहाँ हमारा ये केपीके के लोग रहते हैं, समी को एक एग्जांपल है हमारे पास कि वो भी जो है वो सही नहीं हो रहा है। तो कोशिश करें कि ऐसी जगह पे जाएं जहाँ जो है आपका जो है ये हो जाए। एक मिनट में थोड़ा सा नेट को थोड़ा सा नीचे हो गया जी। थोड़ा सा मैंने जो लेक्चर दिया वो समझ में आया उन लोगों को या नहीं आया? सर आपने जो प्राइमरी सोर्स में पढ़ा करस्पॉन्डेंस, इसका सर क्या मतलब है? करस्पॉन्डिंग जो एग्जांपल दिया आपने सर प्राइमरी सोर्स के, हाँ लास्ट वन सर, करस्पॉन्डिंग ये है। करस्पॉन्डिंग किसको कहते हैं? करस्पॉन्डिंग हम उसको कहते हैं कि जो एक दूसरे से जो गवर्नमेंट लेवल पे या आपकी लाइब्रेरियन प्रिंसिपल से जो लेटर की सूरत में जो करस्पॉन्डिंग करता है, कंजर्वेशन करता है लेटर की सूरत में, किसी मवाद की इंफॉर्मेशन इस सूरत में, उसको करस्पॉन्डिंग कहते हैं। समझ गए जी, आ जाए। मेरी अभी इधर क्लास है, मैं खुद इधर हूँ, इसको जल्दी से थोड़ा सा कर लेते हैं। मेरी यहाँ पे सोर्स की डेफिनेशन बताइए जी। जी बताएं सर, प्राइमरी की डेफिनेशन बताइएगा। बुनियादी जराए, ये जो सोर्स है बुनियादी तरीके से जो है बेसिक इंफॉर्मेशन, इवेंट हो, एविडेंस हो, डिस्क्राइब हो, एक्चुअली जो पोजीशन हो, उसको कहते हैं प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स आर एविडेंस, हियर सोर्सेज आर ऑफर एन एनालिसिस रीस्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी सोर्सेज, दे ऑफ्टन ट्राई टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन प्राइमरी सोर्सेज, दे टेंड टू द वर्क which summarize, interpret, recognize or otherwise provide an added value to a primary source. ये basic primary source की secondary आ जाती है कि उसके बुनियाद पर primary source आपके पास आ गई, अब आप उसको आगे जाके क्या करना है, added कैसे करना है उसको, उसको आगे कैसे लेके जाना है, उसको कैसे समराइज करना है, कैसे रिऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज तो हो गया वो पहले वाला, अब रिऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसको, एडेड वैल्यू आप उसमें डाल रहे हैं,
कुछ और ज़्यादा डाल रहे हैं तो उसको हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। टेक्स्ट बुक हो गया, एडेड वर्क हो गया, बुक्स एंड आर्टिकल्स हो गए, डेट इंटरप्रिएट और रिव्यू हो गया, रिव्यू रिसर्च हो गया, रिसर्च वर्क हो गया, हिस्टोरीज हो गई, बिब्लियोग्राफीज जो दोबारा बनाई जाती है, लिटरेसी क्रिटिज्म हो गया एंड इंटरप्रिएशन हो गई, रिव्यूज ऑफ लॉ हो गया, लेजिस्लेशन हो गई, पॉलिटिकल एनालिसिस हो गई और कमेंट्रीज हो गई। जो ये जो है ज़्यादा मालूमात जो उस बेसिक सोर्स जो था, जो पहले वाला जो फर्स्ट टाइम सोर्स था, उसको जब एडिट करते हैं, उसको दोबारा रीऑर्गेनाइज करते हैं, दोबारा डिस्क्राइब करते हैं, कुछ और चीज़ें मिला के एक न्यू एडिशन देते हैं, उसको सेकेंडरी सोर्सेस कहते हैं। तीसरा टेरिटरी सोर्सेस, तीसरा जरिया, दीज आर सोर्सेस दैट इंडेक्स एब्स्ट्रैक्ट्स ऑर्गेनाइज कंपाइल्ड और डाइजेस्ट अदर सोर्सेस सम रेफरेंस मटेरियल्स एंड टेक्स्ट बुक्स आर कंसीडर टेरिटरी सोर्सेस व्हेन देयर चीफ पर्पसेस इज टू लिस्ट समराइज और सिंपली रीपैकेजेस आइडिया और अदर इंफॉर्मेशन। टेरिटरी सोर्सेज आर यूजली नॉट क्रिएटेड टू ए पर्टिकुलर ऑथर। ठीक, अब ये जितने भी तीसरा जरिया जो है हमारा, जो तीसरा जरिया कौन सा जरिया है, जिस इंसाइक्लोपीडिया हो गया, जहाँ से हमें मवाद मिलता है, तीसरी किसी से मिलता है। एक हमने जो रेफरेंस का जो मेन जो किया था कि हम जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो किसी तीसरे ज़राए से, तीसरी ऐसी कोई मटेरियल जहाँ से हमें मिल जाए, वो डिक्शनरी भी हो सकती है, इंसाइक्लोपीडिया हो सकता है, जो उसको उसी से जहाँ से मिले उसको हम तीसरा टेरिटरी सोर्स कहते हैं, अदर सोर्स कहते हैं जिसको हम। फैक्ट्स बुक्स क्या होती हैं? फैक्ट्स बुक्स आपने लिखा हुआ है ना, फैक्ट बुक्स उसको कहते हैं जिसमें जैसे अपनी ऑटोबायोग्राफी हो गई, उसमें फैक्ट एंड फिगर्स, डेटा जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ होनी चाहिए, फैक्ट पे मबनी होनी चाहिए, उसकी इमेजेस होनी चाहिए, माना वो ऐसा ट्रू बुक्स होनी चाहिए जिससे वो मवाद लिया जा सकता है। समझ गए जी? सर आप प्राइमरी का तो ये होता ना, जो हम हमारी मतलब एक बुनियादी हम अपनी इंफॉर्मेशन होती है वो हासिल कर लेते हैं, और सेकेंडरी का ये हो गया कि हम मतलब उस जो इंफॉर्मेशन होती है उसको रीएडिशन किया जाए, जब यानी जैसे टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें मजीद इंफॉर्मेशन जब मतलब आ जाती हैं उसको दोबारा जब करते हैं तो वो फिर उसको सेकेंडरी कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और तीसरा भी बता दें जरा। और तीसरा सर, तीसरा इसमें आपने यही बताया ना कि इसमें हम ये जैसे इंडेक्स हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। जहाँ डिक्शनरी से हम ली, किसी तीसरे जराए से ली, तो उसको हम ये कहते हैं कि टेरिटरी हमारी कोई मतलब दूसरी कोई ऐसा है जहाँ से हमने रेफरेंसेस जो है, जो सोर्सेज जो है वहाँ से ली है, उसको ये कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा। अब सोर्स का हो गया, ठीक है। अब आ गया रिसोर्सेज, वसाइल हमारे, कोई बताएगा क्या है? जल्दी जल्दी बता दें। जी कहानी बताएं समी। जी
और कोई जिसको आवाज आ रही हो मेरी? सर अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की वो हमारे रिसोर्सेज में आ गई, यानी कि रिसोर्सेज के जरिए हम अपने को तैयार करते हैं, उसमें बुक्स हो गए, जर्नल्स हो गए, आर्टिकल्स, मैगजीन्स हो गए, पीरियोडिकल्स हो गए। सर वो जी जी बात करें जी, काइंडली कंटिन्यू रखें जी। सर रिसोर्स वो चीज है जिसकी जिसकी सही है। और कोई बोले? एनदर चलें जी, आवाज आ रही है जी, ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सर। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। फिर क्लियर आ रही है आवाज मुझे तो सर आपकी? असल में क्या है कि लाइट चली गई है, जनरेटर पे चल रहा है। सर सर तो आवाज सर बिल्कुल क्लियर आ रही है, आवाज में कोई इशू नहीं आ रहा। ओके जी ओके। फिर मेरे ख्याल में नेट का इशू होगा सर, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम चलता है ये। ठीक है, मेरे नेट का इशू होगा। जी कंटिन्यू करूं जी, और कोई? यस सर कंटिन्यू। सर रिसोर्स वाले जात को बोला जाता है सर, ऐसा स्टॉक और ऐसा मटेरियल जिसको हम सप्लाई कर सकते हैं सर इन ऑर्डर टू फंक्शन इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। नॉट, ये तो नहीं है, ये जवाब नहीं है। रिसोर्स का मीनिंग है उर्दू में वसाइल। इंफॉर्मेशन कैन कम फ्रॉम द वर्चुअली एनीवेयर। देखें वसाइल आपके वो हो गए सोर्सेज, ये रिसोर्सेज। आपके वसाइल कहाँ हैं, कौन से वसाइल है जहाँ से आपको ये किताब मिली है, कहाँ से ये इंफॉर्मेशन आपको मिली है, कहाँ से आपको ये डेटा मिली है, उसको वसाइल कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। मीडिया हो गया, ब्लॉग्स हो गए, पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, बुक्स हो गए, जर्नल, मैगजीन, आर्टिकल, एक्सपर्ट ओपिनियंस, इन सब वेब पेजेस एंड द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन यू नीड विल चेंज डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यू आर ट्राइंग टू आंसर। जो वसाइल आपके जो हैं जहाँ से आपको ये मिले, ज़राए भी इसको कह सकते हैं जहाँ से ये आपको मिला। लुक एट द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, नोटिस द सिमिलरिटीज बिटवीन देम। मालूमात सर जी जो अभी ऐप है जिसके जरिए हम ये इंफॉर्मेशन या लेक्चर रिसीव हम करते हैं, जी ये भी इन रिसोर्स में आता है ना? जी 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 बिल्कुल, आपने सही कहा। उसकी उर्दू में मीनिंग देख रहे हैं, मालूमात अमली तौर पर कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, मीडिया हो गया, ब्लॉग्स हो गई, ज़ाती तजुर्बात हो गई, किताबें, जर्नल और मैगजीन के मजामीन, माहरीन के आरा, इंसाइक्लोपीडिया, वेब सिवा, और आप जिस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिहाज से आपको मालूमात की किस्म तब्दील हो जाएगी। मालूमात के दर्ज ज़ेल ज़राए को देखें, उनके दरमियान ममासिलतों पर गौर करें। ठीक है, जहाँ से ज़राए आ रहे हैं आपके पास उनको रिसोर्स कहते हैं। सेम एज प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंटेड मटीरियल्स, बुक्स, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज, अलमैनिक्स, वही जितने भी हैं, ये जो ज़राए जहाँ से आपको ये आते हैं उसको कहते हैं। जी आप किसी ने सवाल किया? सर अलमैनिक्स क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन अबाउट द फैक्ट्स जो है, डेटा आपको जो है जो प्रोवाइड किया जाता है ज्योग्राफी, उसकी जो है जो एड्रेसेस होती हैं वो उस हिसाब से आपको किया जाता है। ठीक है जी, रिसोर्स का भी पता चला आपको कि कहाँ से आपके पास, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ नेट के थ्रू, ये हो गया रिसोर्स। आप
सर जैसे आप लोग स्लाइड से शेयर करते हैं वो भी जी रिसोर्स रिसोर्स हो गया, बिल्कुल वही मैंने आपको कहा। जैसे एक ने सवाल किया, जैसे अब मैंने स्लाइड आपको दिखा दी साइटेशन की, ये रिसोर्स हो गया आपका। साइटेशन पे आ जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय साइटेशन। ए साइटेशन इज द वे यू टेल यूर रीडर्स दैट सर्टेन मटीरियल इन यूर वर्क केम फ्रॉम अनदर सोर्स। इट ऑल्सो गिव यूर readers that information necessary to find the location details of that source on the reference or work cited page. देखें इसकी मीनिंग, इसको इंग्लिश में इक्तबास से आपकी क्या मुराद है। एक हवाला वो तरीका है जिससे आप अपने कारीन को बताते हैं कि आपके काम में कुछ मवाद दूसरे जरिए से आया है, या आपके कारण को हवाला या सिफे पर उस जरिए के मकाम की वर्क साइटेड तफसीलात तलाश करने के लिए ज़रूरी मालूमात भी फराहम करती है। साइटेशन उससे कहते हैं उस सोर्स रिसोर्स या जो जगह है उसका पेज, उसकी बुक का नाम, उसको साइटेशन कहते हैं। अब जो यहाँ से मैं आपको दे रहा हूँ तो उसकी साइटेशन क्या है, उसकी साइटेशन ये है कि जो लिंक दिया गया है वो जहाँ से आपने ये देखा है ये है इसकी साइटेशन। वो किताब जो वो इंफॉर्मेशन वो डेटा इंसाइक्लोपीडिया या डिक्शनरी उसके जो भी लफ्ज़ और सब्जेक्ट हैं जिस पेज पे डिक्शनरी पे आते हैं उस पेज का और उस पेज के जहाँ पर यह मालूम दर्ज की गई हैं उसे साइटेशन कहते हैं। कहीं भी भाई कहीं भी इंफॉर्मेशन आती है हमें क्या पता वो ऑथेंटिक है, उसकी साइट कौन सी है। जैसे हम मीडिया टीवी देख रहे हैं, किसी ने मुझे कहा कि आज पाकिस्तान हार गया T20 में हार गया, जब श्रीलंका से हार गया, लेकिन मुझे कैसे पता चला वो साइट कौन सी है। वो साइट वो थी कि जो नाम क्या है जहाँ से वो टेलीकास्ट होके आया वो इसकी साइट है, वो चैनल्स हैं, बुक की साइट वो है जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन दर्ज है उसको साइटेशन कहते हैं। अक्सर रेफरेंस और साइटेशन जब रिसर्च होती है जो किताब लिखी जाती है उसके एंड में भी दिया जाता है या उसके पेज के नीचे भी वो दिया जाता है कि ये कहाँ से किताब उठाई गई है और किस पेज से उठाई गई है, इसको साइटेशन कहते हैं। समझ गए जी? सर जैसे कि वेबसाइट, हाउ डू यू राइट ए साइटेशन, ये उसके कुछ हैं जो साइटेशन के मालूमात एलिमेंट्स टू इंक्लूडेड ऑथर ऑफ पेपर, ऑथर कौन सा है उसका, ईयर ऑफ पब्लिकेशन कौन सी है जिसमें ये साइट किया गया है, टाइटल ऑफ पेपर उसका क्या है, इन सिंगल कोटेशन मार्क क्या है, टाइटल ऑफ कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग क्या है, सब टाइटल उसका, थोड़ा सा बिब्लियोग्राफी इंफॉर्मेशन साइटेशन में दी जाती है। और उसके अलावा इसका जो आखिरी है रिफर फॉर द पेपर, पेज नंबर जो उसका है वो भी उसका जो है दर्ज किया जाता है, इसको साइटेशन कहते हैं। जी क्वेश्चन इसके साइटेशन के बारे में सर जी, वेबसाइट या फिर लिंक वगैरह वो जराए हो गए, ठीक है, जहाँ से आपको रिसोर्स की सूरत में मिला है, जिस पेज पे है ये जो अब आपको नजर जो चीज आ रही है ये साइटेशन है। आप देख रहे हैं कि किस पेज पे ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है गूगल का जो है गूगल मीट का जो एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ पे ये पेज पड़ा हुआ है उसको साइटेशन कहते हैं। वो किताब जैसे अब डिक्शनरी के एक अल्फाज है ना, कोई भी अल्फाज, लाइब्रेरी लाइब्रेरी एक अल्फाज है, डिक्शनरी पे जब उसकी मीनिंग दे जाएंगे लाइब्रेरी के लिए तो जिस पेज पे लाइब्रेरी होगी उस पेज को साइटेशन कहते हैं। सर जैसा कि बुक्स पे लेसन का नेम लिख के सामने पेज नंबर दिया होता है वो साइटेशन, अक्सर आपने देखा है फाइल, फाइल जो नहीं होती है
उसमें जो ऊपर जो थंब पे लिखा होता है ए बी सी जो लिखा होता है, फिर उसी पेज पे चले जाते हैं, ये साइटेशन का पेज है। या किताब में हम एक पेपर रख देते हैं, ठीक है, उस पेपर को एकदम हम उठाते हैं, जो पेज नंबर है जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दर्ज है उसे साइटेशन कहते हैं। और कहीं जी बताएं, एंड ऑफ द मेरा टॉपिक हो गया चारों, अब आप डिस्कशन कर लें क्या है क्या नहीं है सब बताएं मुझे। एक बुक होती है उसमें चैप्टर वाइज भी दिया होता है कि फलाने पेज पे ये चैप्टर है, तो हम फिर वही पेज खोलते हैं, जैसे 33 पेज पे ये वाला चैप्टर, तो हम जब पेज खोलते हैं और उसी पेज पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो साइटेशन हो गई, वो साइटेशन हो गई, ठीक है, वो पेज साइटेशन हो गया। अगर आपको जो मालूमात दर्ज हैं जो सामने जो भी उसके चैप्टर के नीचे जो लिखा हुआ है जिसको हम अंडरलाइन करते हैं, समझ गए ना, जो मजमून आपको चाहिए जो अंडरलाइन कहते हैं इसे साइटेशन कहते हैं। आपकी साइट कौन सी जहाँ से ये आप आए उसको साइटेशन कहते हैं। बुक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक पेज नंबर दिए होते हैं, फिर हम लोग वहाँ से देख के अपने उस टॉपिक को खोलना चाहे तो हम उस पेज नंबर पर जाके वहाँ से सर्च कर लेते हैं। ठीक, बिल्कुल, वही आपका साइट हो गया, वही आपकी साइटेशन हो गई। सर मैगजीन के लिए भी साइटेशन यूज हो सकती है? हर किसी बुक मटेरियल कंप्यूटर लिंक कहीं भी जो है हर किसी पे जो है ना सर, लेकिन आमतौर पर साइटेशन जो है रिसर्च वालों के लिए होती है, क्योंकि उनको ऑथेंटिक मटेरियल कहाँ से आया किस पेज से आया, तो वो पेज वो उनकी जो है लीगलाइज, जैसे ख़ास तौर पे लॉ की हो गई, मेडिकल की बुक हो गई, इंजीनियरिंग की बुक फैक्ट एंड फाइंडिंग पे होगी, माना वो जो लॉ का एक डिसीशन आ गया, अच्छा डिसीजन आ गया तो डिसीजन कहाँ पे पड़ा हुआ है, अच्छा पड़ा हुआ है तो वो जो किसी किताब में पड़ा हुआ है या उसको बाइंडिंग की गई है वो कौन से पेज में पड़ा हुआ है, वो जो पेज जहाँ से निकाल के लेके आएंगे उसको साइटेशन कहते हैं, उस डिसीजन को। ठीक, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैं ये कहना चाह रही थी साइटेशन का एक फायदा ये भी और सर मैं ये कहना चाह रही थी कि आप प्लीज थोड़ा सा साइटेशन और रेफरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस बता दें प्लीज। रेफरेंस आपका जो है मटेरियल है, जो आपको किसी भी वर्ल्ड किसी भी सब्जेक्ट किसी भी डेटा किसी भी इंफॉर्मेशन की जब आप रेफरेंस में जाएंगे तो आपको वो रेफरेंस बुक चाहिए, वो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो किसी किताब की शिकल में हो या गैर किताबी शिकल में हो, वो जब आपको मिलेगी। साइट वो है जब उस सब्जेक्ट को जो आप उस वर्ड को ढूंढेंगे जिस पेज पे, रेफरेंस वो है। सर फॉर एग्जांपल रेफरेंस मटेरियल जो है ये हमारा डिक्शनरी है जिसमें हम एक वर्ड तलाश करते हैं, सर्च है WAT, उस पेज पे हम चले जाते हैं, तो ये साइटेशन सर होता है? ये साइटेशन है, ये लफ्ज यहाँ से निकला है, इस पेज से निकला है, ये इसकी साइटेशन है। रेफरेंस आपका वो जो उसका पूरा जो टाइटल है, जो रेफरेंस आपका जो मटेरियल है जो ये है वो ये इसका कहलाता है। साइटेशन वो चीज़ है जहाँ जिस साइट से आपको ये जिस पेज से आपको जो मिला हो जो वो उसको कहते हैं। अक्सर आपने देखा है कि जब कोई रिसर्च वर्क होता है उसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लिखी जाती है, रेफरेंस आ गया आपका, अच्छा फिर उस पर फिर लिखा जाता है कि पेज नंबर 78 और 3 जो रोमन, माना ये कहाँ से आया है, ये पेज नंबर 3 और 3 और जो पेज नंबर जो अभी बताया वो उसके कॉलम 3 में गया है, वो आपको साइट बता रहा है कि यहाँ से मैंने ये लिया इंफॉर्मेशन। सर फॉर एग्जांपल हमारा जो इस्लामी मजहबी जो बुक्स में ज़्यादा ये रिफरेंस देते हैं हदीस नंबर ये और हयात नंबर का वो जो हवाला होता है हयात, वो साइटेशन होता है।
हवाला जो है वो आपका रेफरेंस हो गया, ठीक है। अच्छा सर, जो आयत उसने नंबर भी दिया, आयत नंबर 33 फॉर एग्जांपल, 33 ये अब आ गए ना, जो नंबर दिया गया हो उसको साइटेशन कहते हैं। जी सर। जी और बताएं सर। सर फॉर एग्जांपल सर, इस तरह से भी तो हो सकता है ना कि अगर हमने कोई वर्क किया हो पर्सनली और उसके आगे जो हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, पेज नंबर्स वगैरह लिख देते हैं, तो ये भी तो साइटेशन होता है। जी बिल्कुल, कि मतलब ये इंफॉर्मेशन हमने फलां जगह से हासिल की है और फलां पेज पे है। हाँ फलां पेज पे है। हाँ ये चीज साइटेशन में आती है। बिल्कुल ये साइटेशन में आती है। रेफरेंस आपने जहाँ से उठाया, जहाँ से आपने पेज और उसकी पूरी साइट ढूंढी, उसकी लीगलाइजेशन ढूंढी, उसको साइटेशन कहते हैं। जी अनदर सर, सर अगर कोई कारी यूजर लाइब्रेरी आया और उसको अपना मतलूबा इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी के अंदर नहीं मिला, तो हम उसको रेफरेंस सेक्शन की तरफ इशारा देते हैं कि उधर चला जाए, उसको हम कहते हैं रेफरेंस। जी, और जब उसको वही मालूमात, तो उसको सफ़ा भी बता देते हैं कि आपकी ये मालूमात उसी सफ़े में मौजूद है, तो ये हो गया साइटेशन। उसके अंदर जो भी पेज में है वो, भाई ये आपका रेफरेंस आ गया, ये आपकी किताब हो गई, अब जो पेज जहाँ से वो आपने निकाला वो इसकी साइट हो गई। ठीक सर, तो रेफरेंस के मुकाबले में साइटेशन में हमारा कम वक्त ज़ाया होता है। रेफरेंस जो है वो आपकी पूरी किताब है, ठीक है, वो पूरा आपका रेफरेंस मटीरियल आ गया। साइटेशन भाई मुझे, अब मैं पूरा किताब कहाँ से लूँ, मुझे वो साइट दिखाओ जहाँ पे मेरा इंफॉर्मेशन है। तो लाइब्रेरियन क्या करेगा, अल्फाबेटिकल ढूंढेंगे, वो जो डिक्शनरी में क्या है पूरा हम ढूंढ तो नहीं सकते ना, ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, सी लिखा होगा, डी लिखा होगा। लाइब्रेरी है तो एल पे जाके, जब उसकी स्पाइन पे जाके हम उठाएंगे, उसको साइटेशन कहते हैं। अच्छा सर, ये जो बुक्स के स्टार्ट में कंटेंट दिया होता है और उसके आगे भी पेज नंबर्स लिखे होते हैं, टाइटल भी लिखा होता है और पेज नंबर्स भी लिखे होते हैं, या सम टाइम ऐसा होता है कि हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं, टाइटल जिस टाइटल के मतलब तो जिस टॉपिक पे हमें मटेरियल चाहिए होता है वो टॉपिक लिखा होता है, उसके आगे पेज लिखा होता है, ये सारी चीज़ें साइटेशन में आती हैं। कॉन्टेंट ये है कि इट इज़ अ सीरियल नंबर ऑफ पेजेस का होता है, ठीक है, समझ गए जी। हेलो जी। जी सर। अच्छा जी जी सर, मैं सुन कॉन्टेक्ट। अच्छा सर, ये कॉन्टेक्ट मीन्स कि आपकी एक से लेके 100 पेज हैं उसके बुक के, वो आपको बताएगा, ठीक है। उसमें फिर एक ऐसा भी आता है कि जो पर पेज के हिसाब से भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है, उसको साइटेशन कहते हैं, लेकिन जाना पड़ेगा फिर आप वो साइड होगी, उस कंटेंट पे नहीं जाएंगे, टाइटल पे नहीं जाएंगे, जब पेज पे जाएंगे वो देखेंगे, फिर वो कहते हैं कि ये इसकी साइट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए जी। जी सर, साइट रीडर का टाइम भी सेव हो जाता है, वो कम टाइम में अपने यानी कि जो सर्च करना कर्नल डाटा वहां तक रसाई हासिल कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, साइटेशन सिर्फ किताबों में नहीं होता है, हम जितने भी जो डिस नहीं होता, ज़राए भी होती है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो पाकिस्तान मैच हार गया, तो अब भाई वो आपने तो मुझे बोल दिया, लेकिन वो साइट तो बताएं जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वो साइट फिर मुझे वो दिखाया कि भाई वो देखो वो जो वीडियो है या जो लाइव चल रहा है चैनल पर, ये उसकी साइट है, सही PTV स्पोर्ट्स पर ये आया है, ये इसकी साइट आ गई, जहाँ से पता चला ये इन्फॉर्मेशन ये है। मुख्तलिफ ज़राए होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं, जैसे कोहा का अपना एक ब्लॉग, एक क्लाउड है, उसकी पूरी एक साइट है, तो ये माना हमारे ऑडियो विजुअल पे भी ये है, ये ज़रूरी नहीं है कि बुक पे है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन कहीं दूसरे ज़राए से मिलती है, उसकी ऑथेंटिकेशन जो आए उसको भी साइट कह सकते हैं आप, ठीक है जी। एक क्वेश्चन ये था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी स्टूडेंट ने थीसिस लिखा, उसने डिफरेंट साइट से वो चीज़ें ली, ठीक है, उसमें वो साइट्स भी दे देगा और आगे उसमें वो पेज नंबर भी लिख देगा, अब जो साइट उसने दी वो रेफरेंस है और जो उसने पेज नंबर लिखे वो साइटेशन है। बिल्कुल।
सिंपल ओके सर फॉर एग्जांपल लाइब्रेरियन के जब आ गए किसी दोस्त ने बताया तो मैंने पूछा कि कौन सी न्यूज में है और किस डेट की न्यूज में आए हैं तो ये भी आता है इस जी बिल्कुल ये भी एक साइड है लेकिन ये एक साइड है ये हमारे जराए हैं रिसोर्सेज हैं जहाँ से आपको मिला है ठीक है जी समझ लेकिन जब वो न्यूज़पेपर जब आएगा किस पेज पे है न्यूज़पेपर के फ्रंट पे है सेकंड पे है थर्ड पे फिर न्यूज़पेपर के किस कॉलम पे है समझ गए ना किस कॉलम पे है उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जिस पे है उसको साइटेशन कहते हैं सर साइटेशन और रिसोर्स में इतना बड़ा फर्क तो नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं बहुत बड़ा फर्क है जी आप बताएं डिटेल करें रिसोर्स क्या है साइटेशन क्या है बताएं जी समी सर रिसोर्स वो चीज होती है वो जराए होते हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं बिल्कुल साइटेशन वो चीज होती है और ये जो इन्फॉर्मेशन ली है उस चंद ही करता है कि हमने फलां चीज से फलां जगह से ये इन्फॉर्मेशन ली है ये अब आपने सही जवाब दिया समी देख लें ये इसका जवाब है इट इज टू डिफरेंस चारों जो मैंने आपको बताया रेफरेंस हो गया सोर्स हो गया रिसोर्स हो गया साइटेशन ये चारों मुख्तलिफ चीजें हैं ये एक जैसी नहीं है लेकिन रिलेटेड हैं एक दूसरे से एक फैमिली मेंबर की तरह है ये सब इसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता रेफरेंस है तो उसकी जो सोर्स क्या है उसकी रिसोर्स क्या है और उसकी साइटेशन क्या है ये एक ही उस पर आती है इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया था कि ये टॉपिक इस तरीके से क्लियर होगा इनके पास जी जी एनीवन सर एक क्वेश्चन सर एक चीज ये थी कि प्राइमरी सोर्सेज आपने जो सर आपने प्राइमरी और टेरिटरी सोर्सेज जो पढ़ाए हैं उसमें मेरे पास नेट का इशू था नेट का इशू अभी भी चल रहा है आपके यहाँ आवाज आ रही है आपको मेरी अभी जी सर उस टाइम जो प्राइमरी सोर्स आपने पढ़ाया था हाँ यहाँ पे नेट का इशू था लेकिन उस टाइम में थोड़ा साइलेंट हो गया आपको टाइटल निकाल के आ रहा हूँ देखो कहाँ पे देखें देखें प्राइमरी सोर्स वो सोर्स है जो आपकी बेसिकल या रॉ मटेरियल जिसको आप कह सकते हैं वो सोर्स जो पहली दफा आप यूज कर रहे हैं अक्सर ये रिसर्च वगैरह जब हम जाते हैं किसी को इंटरव्यू कहते हैं अब मैं आपको जो यहाँ से बात कर रहा हूँ अब कोई मुझे बताए इनको मैं अभी समझाता हूँ कोई मुझे बताए कि ये मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ ये कौन सा सोर्स है चलें बताएं सर ये प्राइमरी सोर्स है सर नहीं सर और कोई बताए इस टॉपिक के लिहाज से आपने बिल्कुल सही कहा ठीक है इस टॉपिक के लिहाज से और जी ये सेकेंडरी सोर्स है किसी चीज के जरिए से अपन देखें किसी चीज के जरिए से अपन ये जो मैंने अभी समझ लो कि जो मैं अभी आपके पास पेश आऊं ये टॉपिक हमने अभी पढ़ा है ठीक है आपने इससे पहले नहीं पढ़ा इसे इससे पहले नहीं देखा ये है प्राइमरी सोर्स अब इसके बाद अगर इसी टॉपिक को मैं एडेड कर दूं और अच्छा बनाऊं और इसमें अच्छी चीजें डालूं वो हो गया सेकेंडरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स जब मैं
इसको इसमें फिर मुख्तलिफ तीसरा ज़रा इस्तेमाल करूँ, कहीं डिक्शनरी ले जाऊँ, कोई इंसाइक्लोपीडिया से उठाऊँ, कोई डायरेक्टरी से उठाऊँ, कोई तीसरा ज़रिया जो है इस पर यूज़ करूँ, वो हो गया टेरिटरी, उसका जो है वो सोर्स हो गया। ये तीन किस्म के सोर्स हैं, बेसिक, एडेड एंड थर्ड ऑप्शन आपका। मैं आपके पास पहले भी आ चुका हूँ इस टॉपिक के अलावा, आपको मैंने एक पहले लेक्चर दिया था वो प्राइमरी था, अब मैं बजात खुद सेकेंडरी हो गया हूँ। तो इस तरीके से ये जो है सोर्सेज होते हैं, ख़ास तौर पे ये जो सोर्सेज हैं रिसर्च के जो हैं, रिसर्च जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे ये बहुत लाजम मलजूम होती है। जी सर, सर जैसे आप पहले आए तो आप प्राइमरी थे, अब आप फिर बताते खुद आ गए और वीडियो सर तो आप सेकेंडरी हो गए, और अगर अब आप खुद भी आए और साथ सर जफर साहब को भी लाएं और मैम सीम चौधरी। जबरदस्त जबरदस्त आपने एग्जांपल दे दिया, ठीक है, बहुत जबरदस्त बिल्कुल, लेकिन टॉपिक जो है मतलब शख्सियत के हिसाब से आपने बिल्कुल सही बात कही, ठीक है जी। और कोई समझना चाहे? जी सर, सर ये टेरिटरी सोर्स है, ये मैंने सर कहीं पढ़ा था, ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कोई लॉ बन जाता है, जैसे अब रिजल्ट आया किसी चीज का गजटर होता है तो वो टेरिटरी सोर्स कहलाता है, सही एग्जांपल ये? जी जी बिल्कुल, वो थर्ड हमारा जो आता है, जब हमने हर चीज दे दी फिर जब वो बाइंडिंग निकलती है तो वो टेरिटरी हो गया सारा, बिल्कुल सही कहा जी। और कोई? जी जनाब। जी सर, ये आसिया बतूल, आपने कोई सवाल नहीं किया, कोई पार्टिसिपेशन आज की आपकी नहीं है, इकरा इस्लाम कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, कंवर राजा कोई पार्टिसिपेशन नहीं, खतीजा इफ्तखार कोई पार्टिसिपेशन नहीं, मारवी महरीन तो कर रही हैं, मिसिज उस्मान, मोहम्मद शकील, नरगिस, ये इन किसी की भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं, आप कहाँ हैं लोग सारे? जी अस्सलाम वालेकुम सर, आज मेरे नेट का इशू था, कुछ आवाज़ आ रही थी और कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मुझे बात ठीक से समझ नहीं आई, तो अभी मेरा नेट थोड़ा ठीक हुआ है। चले अभी करें सर से सवाल, सर बार बार पूछ रहे हैं, आप करें सवाल जो भी आपको समझ नहीं आया। जफर साहब एक मैं दूसरी सजेशन दे दूं कि यहाँ तो नेट का इशू चलता रहेगा, अच्छा व्हाट्सएप पे फिर हम उसको कर सकते हैं, थोड़ा डिस्क्राइब भी कर लेंगे और वो नोट्स की शक्ल में उनको मिल जाएंगे, ये भी सही रहेगा। जी ओके सर। जी जी जी, कोई सवाल हो जल्दी से करें, क्योंकि टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है, बुला रहे हैं मेरे को अपने स्टूडेंट्स इधर के, यहाँ भी एक सेंटर मैंने आपकी दुआओं से बनाया है तो मैं यहाँ भी मसरूफ हूँ, सब बैठ कर। सर काइंडली सोर्सेज और रिसोर्सेज का थोड़ा सा। जी सोर्स जरिया और रिसोर्स वसाइल होते हैं, इसे डिफाइन किया है सर ने। जी कोई है इसे बता सकता है, मैं जब तक वो पेज निकालूं, क्योंकि कोई और स्टूडेंट बताए। सर मैं, यस सर मैं बता दूं? जी जी बिल्कुल बताएं, यही तो है, यही तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बताएं। सर मैं डेली माइक खोलती हूं, कोई और बोल देता है फिर सर बोलते हैं क्या बाबा, नहीं बोल बाबा मैडम जब बोले सब माइक बंद करो। जी सर आज आपने चार चीज़ों के बारे में सर हमें समझाया, रेफरेंस सोर्स रिसोर्स और साइटेशन। सर देयर आर दीज आर फैमिली मेंबर्स और सर ये एक दूसरे से रिलेटेड है, और सर आपने हमें रेफरेंस के बारे में पढ़ाया था, सर दो टाइप्स के रेफरेंस होते हैं, लॉन्ग टर्म होता है और शॉर्ट टर्म होता है, जो सर शॉर्ट टर्म होता है वह पहले से रेडी होता है सर, उनको हम मिनटों में सेकेंड्स में सर उसका हवाला दे देते हैं, और जो सर लॉन्ग टर्म होता है वो सर उसमें वीक भी लग सकते हैं, मंथली भी उसको हवाला देने में लग जाता है। और सर आपने रॉ मटेरियल के बारे में समझाया था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के कुछ रूल्स हमें समझाए थे, और सर आपने सोर्स के बारे में समझाया था कि सर ऐसा जरिया जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती हो, चाहे वो बंदा हो, बुक्स हो या कोई
जगह या कोई चीज़ हो, जैसे सर लाइब्रेरी में अगर लाइब्रेरियन भी हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो सर वो भी एक सोर्स है, जरिया है, सॉफ्टवेयर्स भी वहाँ पे जरिए है, सोर्स है, एप्लीकेशन भी सोर्स है, और सर इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी ये सब भी सोर्सेज हैं। और सर रिसोर्स होता है जैसे कि सर वसाइल होते हैं, जैसे सर जनरल्स हो गए, स्लाइड हो गए, ब्लॉग्स हो गए, मीडिया, ये सब सर रिसोर्सेज है। और सर सोर्स 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। सर प्राइमरी बुनियादी होता है और सेकेंडरी सर सेकेंड वो सोर्स होता है, और सर टर्शियरी जो है तीसरा जरिया होता है जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन नॉलेज हासिल करते हैं। मैडम जिसने सवाल पूछा हो आपको उसका जवाब मिल गया? जी सर, बट ये जो है रेडी रेफरेंस सर्विस उसको मतलब जो आप फौरी तौर पे जवाब दे देते हैं रेफरेंस में, उसको रेडी रेफरेंस सर्विस भी कहा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल कहा जाता है जी, जो पहले से रेडी होता है, मौजूद होता है जो डेटा ना, हम लोग सेकंड्स में उसका वो जो निकाल देते हैं, उसको रेफरेंस हवाला दे देते हैं जी। एक चीज मैं आपको बता, मैडम आप अपना नाम बताएं जिसने पूरा डिस्क्राइब किया मेरा लेक्चर। नरगिस सर, सर आपने बताया आना चाहिए भी बोल दे, नहीं आना चाहिए भी बोल दे सर। सर जफर साहब ये ही इज लैंग्वेज इज बिरोई। यस सर। सर जफर साहब जी, सर लेजे से पता चल जाता है। शी इज द माय मदर टंग। जफर साहब जी जी सर सुन रहा हूँ मैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी बिरोही होंगे, और उनको मैं आज ही कह रहा हूँ कि आप जिस इंटरव्यू में शामिल होंगी इंशाल्लाह ताला आप कामयाब जाएंगी। सर ये भी लिख लें सर। इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह, हमारे सारे बच्चे कामयाब होंगे सर इंशाल्लाह। देखें ये 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 हम मोटिवेट करना चाहते हैं। देखो उसने ए से लेके जेड तक पूरा बता दिया एक फीमेल होके। ओ मर्द तो बादशाह हो जी, तुसी बादशाह हो, किथे हो तुसी? और ये नरगिस, मैडम नरगिस किस इलाके से हैं? वो दूर दराज हमारे बलूचिस्तान से हैं, जहाँ जो है फैसिलिटीज नहीं है कुछ भी। अभी जो फ्लड आया है पूरा बलूचिस्तान आपका डूब चुका है, पूरा सिंध डूब चुका है, लेकिन देखें इनकी हिम्मत को सलाम देता हूँ कि कहाँ से आके आई हैं और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बताई हैं। मेरे से पहले जिसने क्वेश्चन किया था फीमेल ने उसको भी अच्छी तरीके से जवाब दे दिया, सेटिस्फाई। रुस्तम साहब सर मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ। आज मुझे ना अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एक फैकल्टी मेंबर की कॉल आई मुझे, मैं नाम तो उनका नहीं लूँगा जी सर, तो मुझे कहते बख्तियार साहब आपने ये क्या काम शुरू कर लिया है, ये तो हम तो ऐसा हम काम एक इतना गवर्नमेंट का इदारा हो के इतना बड़ा नेटवर्क चलाते हो इतना काम नहीं कर सके जो आप लोगों ने शुरू कर लिया है। तो सर वो मुझे बड़ा जो है ना वो क्रेडिट दे रहे थे, कहते हैं जी बहुत अच्छा काम है हमारे प्रोफेशनल के लिए, इससे अच्छा कोई ऑनलाइन जो है ना वो काम हो ही नहीं सकता जो आपने स्टेप लिया है। सर बख्तियार साहब मैं आपको क्या बोलूँ, पीएलए वाले सब जो है, सिंध चैप्टर वाले, फीडल वाले सारे हैरान और परेशान हैं कि हम लोग कुछ ना कर सके और ये लोग देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बड़ी इसकी जो है दूर दूर तक इसकी वाहवाह हो रही है जी, और माशाल्लाह अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे इधर पार्टिसिपेट हैं अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे, वो अच्छे रोज़ी रिज़िक में लग जाएँ। लेकिन ये देखो थोड़ी सी हमने देखो कितनी मेहनत की है, ये इतनी मेहनत की, लेकिन दिन रात एक करके अभी देखो किस टाइम पे है। लेकिन जब जब हम जब जब टूटते हैं, जब आप वहाँ से सवाल के जवाब नहीं देते हैं, जब आप कुछ बोलते नहीं हैं, जब तक मैंने कहा ना बोलना जो है इंटरव्यू का पहला और पहला उसूल है, ये आप समझ लें कि अगर आप नहीं बोलेंगे यू आर नॉट सक्सेस। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि आप बार अगर आपको यहाँ पे कुछ तकलीफ है तो आप काइंडली मेरा नंबर है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं पर्सनली, इनबॉक्स में आ जाए, व्हाट्सएप पे आ जाए, आपको कोई भी चीज़। समी हेलो समी, समी है? नहीं सर वो चला गया, छोड़ गया डेली मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। समी जो है मुझसे डेली 10 से 15 क्वेश्चन मतलब मेरे पर्सनल व्हाट्सएप से करता है, मैं उसे जवाब देता हूँ।
इतना में ये बैकवर्ड के इलाके हैं, केपी के पता नहीं कहाँ रहता है, आप लोग करते ही नहीं है कोई। सर मैं एक बात कहना चाह रही थी। जी जी बताएं बताएं। सर मैं कहना चाह रही थी आप लोग वो माशाल्लाह से बहुत मेहनत करके हमें अच्छे से लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, बहुत आपकी काबिश वाकई है। जी थैंक यू वेरी मच। चलें जी अब, हेलो हेलो अब्दुलरहमान जा रहा ना था आवाज इम्पक दा बीमारी करी। हेलो और तो आखिरी वाला क्या होता है यार। जबरदस्त तैयार करना सही। माशाल्लाह रिकॉर्ड करें ना।